मौदा शहर में विविध प्रकार के शैक्षणिक सुविधा होने के कारण मौदा शहर में पढ़ाई करने हेतु कुही, रामटेक और कामठी तालुका के विविध गांव के छात्र मौदा में पढ़ाई करने आते हैं। लेकिन मौदा से विविध गांव में जाने के लिए एसटी बसेस कम होने और अनियमितता के कारण छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शाम के समय बस समय पर न आने के कारण छात्राओं को देर रात तक मौदा बस स्टैंड पर रहना पड़ता है। इन छात्राओं में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। मौदा बस स्टैंड पर महिला सुरक्षा की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण असामाजिक तत्व से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इस समस्या को देखते हुए मौदा शहर से गांव जाने वाली सभी बसेस निर्धारित समय पर छोड़ने की मांग मौदा तालुका विद्यार्थी मनसे प्रमुख एडवोकेट मृणाल तिगरे ने की है। अन्यथा तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। मी ॲडवोकेट मृणाल तिगरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, मौद्या तालुका अध्यक्ष आहे। तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विद्यार्थी सेनेतर्फे आम्ही नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या बाजूने विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचे काम करत राहतो। यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये एसटी महामंडळमुळे विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते। त्याच्यामध्ये जे ग्रामीण भागातले विद्यार्थी आहे शिक्षणापासून वंचित राहतात। कधी कधी सकाळी त्यांची बस येत नाही, त्याच्यामुळे ते कॉलेज किंवा त्यांचे स्कूल्स असतील ते जाऊ शकत नाही, किंवा आल्यानंतर ते घरी कधी पोचतील त्यांचे आईबाबा वाट पाहत असतात, पण बसचा टाईम नेहमी चुकत असते। कधी कधी बस कॅन्सल झाली सांगून देतात। त्याच्यामुळे हे विद्यार्थी जे अनेक गावामधून मौदा शहरामध्ये आपला उच्च शिक्षण घेण्याकरिता येतात, पण त्यांची बस येत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे। मिसन न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट।